नमस्कार, आप खेल देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। हुसैनाबाद, संत शिरोमणि रविदास जी के दिल्ली के तुगलकाबाद मंदिर को तोड़े जाने व अंबेडकर विद्यालय गोरखपुर में तोड़फोड़ किए जाने को लेकर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक एकता मंच के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से दोबारा मंदिर बनाने की मांग कर रहे थे और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। हुसैनाबाद अनुमंडल परिसर मंच के अध्यक्ष शेर अली ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास के मंदिर 600 वर्ष पुराने थी, जो 10 अगस्त को उसे ध्वस्त कर दिया एवं भाजपा की सत्ता में आते ही दलितों मुस्लिम लोगों का अत्याचार बढ़ जाती है, ये भाजपा का दूषित मानसिकता का परिचय है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश में कोई बड़ा आंदोलन न हो, यह मामला शांतिपूर्वक सुलझाने की जरूरत है। मौके पर वीरेंद्र राम ने कहा, जब रातोरात धारा 370 टूट सकता है तो हमारे गुरु की अपमान को क्यों नहीं रोका गया। सभा के अंत में महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में मांग पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जितेंद्र पासवान, पूर्व नम्प अध्यक्ष उषा देवी, चित्रन रंजन दास, सुदेश्वर राम, अशोक मेहता, अक्षय मेहता, विजय प्रसाद कुशवाहा, के विश्वा, अजय भारती, रूपा देवी समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद।